वेलकम 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 टू माय चैनल। नमस्ते, जुहार, प्रणाम सभी को। मैं सूवी स्वागत करती हूँ स्वादिष्ट भोजन चैनल में। तो आज की रेसिपी है मंडा पीठा। तो दोस्तों, क्यों ना पीठा के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ये एक ओडिशा फेमस पीठा है जो कि फेस्टिवल के टाइम प्रिपेयर करते हैं, और कभी मन हुआ तो खाली टाइम में भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये पीठा बनाते तो बनाते कैसे हैं? मोस्टली ओडिशा और बंगाल के साइड लोगों को तो पता ही होगा। तो आज की रेसिपी जो नहीं जानते या फिर सीखना चाहते उनके लिए बना रही हूँ मैं। चलो आज शुरू से एंड तक पूरा सारे प्रोसीजर बताती हूँ कैसे कैसे होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया व्हाइट राइस, जो कि ओडिया में बोलते अरुआ चावलों। इसे पीसने से पहले 2 से 3 घंटा भिगो के रखना होता है ताकि ये फाइन पाउडर बन जाए। मोंडा पीठा बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले वो बता देती हूँ। राइस फ्लोर, दाल, गुड़, ग्रेटेड नारियल। जो चावल भिगो के रखा था ना, उसको 5 से 10 मिनट धूप में सुखाना है, या फिर फैन चला के भी आप सुखा सकते हो। यहाँ पर अच्छे से सिलबट्टा में पीस लेंगे चावल को। आप चाहे तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं इसको। मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ ना, इसलिए सिलबट्टा का इस्तेमाल किया है। ये बोल सकते हैं ये जो पीठा है ना, सिमिलर टू मोदक जैसा है। अब चावल को साइड में रखते हैं। अब बारी है स्टफ़ बनाने की। स्टफ़ मतलब यहाँ पर हमने नारियल लिया है ना, तो नारियल को ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैंने 2 नारियल लिया है। पीठा में एक्स्ट्रा टेस्ट तो नारियल ही बढ़ा देती है। जैसे ही आलू पराठा में आलू, मोमोज में गोभी, ऐसे ही इसका रोल है। तो मैंने यहाँ पर सारा ग्रेट कर लिया। तो चलो फिर शुरू करते हैं, स्टफ़ बनाते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद पहले से बॉईल किया हुआ दाल को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल लिया है। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के गुड़। अच्छे से दोनों को मिला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना चाहिए। फिर इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रेटेड किया हुआ नारियल। फिर तीनों को अच्छे से मिला लेंगे, गुड़, नारियल और दाल। दो से तीन मिनट तक अच्छे से मिलाना है इसको। फिर जो स्टफिंग की स्वाद है उसको एनहांस करने के लिए इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, नमक और अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिला लेते हैं इसको। अब बारी है चावल की डो बनाने की। उसके लिए ले लिया कढ़ाई पर पानी। फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। जो पीठा है उसके टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए यूज करते हैं हम नमक। 1 से 2 मिनट पानी गर्म होने तक छोड़ देते हैं। पानी जब हल्का गर्म हो जाए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है राइस फ्लोर। डो तैयार होने में हार्डली 5 मिनट ही लगता है। जब तक हमारा डो सही से ना बन जाए तब तक लगातार करछी को ऊपर नीचे घुमाते रहना चाहिए। डो हमारा बनके पूरा तैयार है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो डो है ना उसको हल्का सा ऊपर नीचे करके घिसना चाहिए ताकि हमारा जो पीठा है ना वो थोड़ा सॉफ्ट बने। यहाँ पर मैं एक एक करके 2-3 शेप दूंगी पीठा। तो पहले बनाते हैं गोल वाला। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हल्का सा फ्रेस करके उसके अंदर स्टफिंग भर देंगे जो नारियल का बनाया था। फिर हल्का सा फ्रेस करके 2-3 बार घुमा लोगे तो बन गया हमारा गोल वाला शेप। फिर पीठा को दूसरा शेप देते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, हल्का सा प्रेस करके उसके अंदर स्टफिंग भर के उसके बाद हाफ से इसको मोड़ लेंगे। इसके बाद साइड से इसको बंद कर लेते हैं ताकि इसका जो स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले और अच्छा सा डिजाइन बन जाए। इसके बाद बनाते हैं केले के पत्ते में। ये बहुत ही सिंपल और ईजी है। इसको कुछ नहीं करना, बस जो केले के पत्ते हैं उसके ऊपर लपेट लेना और उसके ऊपर
आराम से स्टफिंग लगा देना और मोड़ लेना, बस हो गया। इसको और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये सबसे लास्ट और मेन प्रोसेस है। जो पीठा को हमने सेव दिया था ना, उसको अभी बॉईल करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए हंडी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इडली स्टीमर या फिर राइस कुकर यूज कर सकते हैं। ये पीठा पानी के भाप से ही बनता है, इसलिए यहाँ पर हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया है। सारा कुछ सेटअप करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद कुछ इस तरह। नाउ मंडा पीठा इज रेडी। और दोस्तों, पीठा देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। और हाँ, आज की मंडा पीठा रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर बताना। मैं कुछ बनाऊं और खा के ना दिखाऊं, ये हो ही नहीं सकता। पीठा को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बहुत ही टेस्टी बना है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 कर दीजिए।